माननीय हाई कोर्ट में टीवी चैनल हरियाणा हाई कोर्ट में है आपको जो लाइव लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर मारकंडा के बस स्टैंड से आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है। बस स्टैंड के सामने किसानों ने रोड को पूरी तरह जाम कर दिया है। आपको बता दें कि अभी फोर लाइन में भी किसान बैठ चुके हैं और फोर लाइन को भी उन्होंने बंद कर दिया है, तो आने जाने वालों को दिक्कत परेशानी होने हो रही है। शाहबाद मार्केट में आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है। किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। क्षेत्र की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप सीधे लाइव आप देख रहे हैं कि हम शाहबाद मार्केट में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक इतना ही चैनल के साथ में। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं शाहबाद मारकंडा से देख रहे हैं, आपको बता दें कि किसानों ने जो रोड जो फोर लाइन चली हुई थी उस पर भी किसान आप बैठ चुके हैं और अब जाम लगना शुरू हो चुका है। जो नीचे के से जो आने जाने वाले वहाँ के चल रहे थे तो उस पर भी वो किसान बैठ चुके हैं। तो सीधे आपको जो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं शाहबाद मारकंडा से दिखाई जा रही है। अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, हमारी चुनी सरकार है, हमारे में गोली क्यों चलाएगी? ना फालतू है वो जमाना था, पांच पांच छह छह बालक थे, कहना बच्चे करना कोई नहीं, लत्ता लेने वाले भी बादशाह बच्चे करते बतेरे है। इनको एक एक को अटक रहे हैं सारे, मेरा खुद एक ही लड़का लड़की तक नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं हमारे देश के अन्नदाता है और छुट्टी सिरों में बोलिए, पहले आंसू गैस के फोड़े, मैंने टीवी पे देखा तड़ा तड़ तड़ा तड़, जैसे दस आदमी भी आगे गए तो इन्होंने एक लगातार सौ आंसू गैस के फोड़े तड़ा तड़ चलाते रहते हैं। देखिए कल हमारी कॉल जो थी आज की और सभी तहसील स्तर पर सरकार के खिलाफ जो रोष प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंकने की थी, परंतु कल जिस प्रकार खनौरी बॉर्डर पर सरकार ने अत्याचार किया, जिस प्रकार मानवता के खिलाफ काम किया, लोग शांति से ट्रालियों में पड़े थे उनको निकाल निकाल कर पिटा, ट्रैक्टर तोड़े गए, गोली चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के घोड़े काफ़ी ज़्यादा दागे गए। तो उस घटनाक्रम में एक युवा साथी की हमारी की जो है सी प्राप्त कर, तो जिसके रोष स्वरूप आज सारे हरियाणा 12 से लेकर 2 बजे तक रोड जाम रहे, इसको लेकर कॉल चेंज की गई थी। आज उसी के रोष में हम सभी साथी बैठे हैं और इसके बाद जो कल द्वारा हमारी मीटिंग होगी कोर कमेटी की और उसमें कोई ठोस फैसला लेंगे। तो क्या लगता है कि कुछ बात बन पाएगी? नहीं देखिए, ये तो सरकार ने मांग माननी है, जो वादा किया था उसे अपने को पूरा करना है। जब तक वादा पूरा नहीं करेगी तब तक किसान साथी जो है आंदोलन करेंगे।